हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और मैं हूं जसबीर सिंह सलूजा, आपका भाई, आपका दोस्त। एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं एक और शानदार वीडियो में। थंबनेल आपने देख लिया है, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो कि 4000 किलोमीटर की है बाइक पर, वो भी सोलो। वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूँ, ये जो राइड है, ये जो यात्रा है माँ नर्मदा की परिक्रमा की, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे मनीष वर्मा भाई कर रहे हैं। नर्मदे हर, हाँ, आज का जो हमारा अभिवादन होना था वो नर्मदे हर से होना था, तो सभी भाइयों को नर्मदे हर। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं मनीष वर्मा भाई और हमारे प्रफुल्ल जोशी, इन्हें आप पहले भी एक दो वीडियोस में देख चुके हैं और मुझे तो आप जानते ही हैं। तो इस वीडियो में एक और अच्छी बात ये होने जा रही है कि जो हमारे मनीष भाई हैं, इन्होंने पहले यूट्यूब पर हमको देखा और जब बड़वानी आना हुआ तो इन्होंने हमको ढूंढा, अपनी शॉप को ढूंढा और हमसे मिले। तो ये वो पहले इंसान हैं जो यूट्यूब परिवार से हैं मेरे और मुझे मिलने आए हैं, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे इसके लिए भाई। थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए। नहीं, आपकी क्वालिटी है बिल्कुल। तो भैया की बाइक में एक दो सामान भी भैया को डलवाना थे, वो भी हम लोगों ने इंस्टॉल करवा दिए हैं। माइक वगैरह लेना था, वो भी मार्केट से दिलवा दिया है। ओवरऑल जो काम थे भाई के पहले वो कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो के लिए टाइम बचता तो ठीक है, नहीं बचता तो ठीक है। भैया को 12 बजे निकलना था और 12 से हो गया है टाइम ज़्यादा, इसलिए वीडियो छोटा सा बनाने वाले हैं। तो चलिए भैया से पहले बात कर लेते हैं कि भैया की यात्रा कब शुरू हुई है, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियाँ करी भैया ने सारी चीज़ें, फिर भैया की बाइक भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भैया अपनी बाइक को सजा धजा कर तैयार करके निकले हैं इस यात्रा पर। तो मनीष भाई, यात्रा आपने शुरू कब करी मालिक जी? सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने जिस प्रकार से मेरी हेल्प की, मुझे जो भी कमियां थी गाड़ी में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी दिक्कत थी, उनको सबको सॉल्व कर दिया। मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से निकला हूँ, वहाँ से 3-4 जिले क्रॉस करके यहाँ आया हूँ। लेकिन जो हेल्प आपने की वो मुझे रास्ते में बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, लेकिन आपने अपना शॉप छोड़ के और जाके मार्केट में मेरा काम करवाया और इसमें जो भी कमियां थी वो सब दूर की, उसके लिए नहीं यार, बड़े भाई देखो आप भाई बन के आए हैं तो हमको भी भाई बनना है। आपका वीडियो, अब ये जो मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ ना, हमारा यूट्यूब परिवार, हमारा यूट्यूब परिवार, तो यार जब परिवार बोलते हैं और जब कोई भाई स्पेशल यूट्यूब परिवार से बिलोंग करके आया है तो फिर भाई बनना पड़ता है, भाई बनकर दिखाना पड़ता है, सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती। तो भाई इसके लिए तारीफ मत करो, अगर भाई बोल के आए हैं तो वीडियो में जो वीडियो में देखते हैं भैया उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं भैया। अरे यार, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। भैया का स्वभाव ही मददगार है, भैया बहुत हेल्पिंग नेचर है। अरे बस बस, माँ नर्मदा नाराज जाएगी, बोले वीडियो नर्मदा परिक्रमा बना रहा है, पटाखे अपनी तारीफ करवाने बैठा है। नहीं बहुत। तो भैया कितने कब निकले, आज कौन सा दिन है आपकी यात्रा? 5वां दिन है जी आज यात्रा का, और मैं होशंगाबाद जिले से थोड़े आगे मोहरघाट से निकला हूँ, नरसिंहपुर जिले में आता जी। शुरुआत कहाँ से करी आपने यात्रा? नरसिंहपुर जिले से। नरसिंहपुर जिले से करी शुरुआत, नरसिंहपुर जिले से की है। मैं पहले रात्रि मैंने वहीं पर विश्राम किया था, उसके बाद मैं दूसरी रात होशंगाबाद जिले में रुका और दादाजी महाराज से खंडवा में रुका, फिर तीसरे दिन और यहाँ पे रुका उसके बाद में। ओंकारेश्वर जी से होते हुए। तो ये संभावित कितने दिन की यात्रा होने वाली है अपनी? मेरा प्लान था जी लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मुझे शायद 20 से 25 दिन हो जाए, 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई यार, यात्रा में जो मुख्य बिंदु है, सारी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ जहाँ दर्शन होना अनिवार्य है वो सारी चीज़ें हैं, जो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है वो सारी चीज़ें होंगी, तो ही परिक्रमा मेरे हिसाब से माता जी की सफल हो पाएगी भाई की। और हमारी दुआएं और हम जैसे कई भाइयों की दुआएं तो भाई के साथ यही हैं, और भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम से भाई? वंदे मातरम मोटो ब्लॉगर। वंदे मातरम मोटो ब्लॉगर के नाम से अभी भाई शुरू करने वाले हैं इसी राइड से, तो आप भैया की यात्रा के जो वीडियोस है वो भी वहाँ जाके देख सकते हैं जी। आपका सपोर्ट भी चाहिए जी, बिल्कुल भाई के वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आने का। तो YouTube पर या बहुत सारे सोशल मीडिया पर ना जो कंटेंट है वो तो है ही है, पर उसके साथ एक कचरा भी जबरन में ही बड़े चले जा रहा है, मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लाखों में व्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है आप लोगों का मनोरंजन होता है, आप उसको देखें, पर अच्छे और रियल कंटेंट को भी रिस्पेक्ट दें। जैसे भाई निकले हैं सोलो बाइक लेकर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर, ज़्यादा लोग नहीं तो कम से कम माँ नर्मदा जी के भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि भाई आगे भी इस तरह की धार्मिक और अच्छी यात्राएँ करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आए। चलिए कोशिश करूंगा कि नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा में जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो भी जानकारियां जरूरी जानकारियां, कहाँ रुकना है, कैसे, कहाँ प्रसादी की व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, कहाँ कौन से रास्ते से जा रहा है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है, इस टाइप से मैं पूरी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा ना भैया हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, सब्सक्राइबर्स के लिए भी, और जो पहले जो परिक्रमा करना चाहते हैं स्टार्ट, उन लोगों को एक बार वो रूट देख लेंगे, वो भी 15-20 घंटे का पूरा सीरीज बनेगी, तो उसके बाद उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, यही मेरी कोशिश है। तो चलिए भाई की बाइक दिखाता हूँ आपको, भाई ने किस तरह से अपना लगेज सेट किया हुआ है, क्या क्या जुगाड़ है, क्या क्या
छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए हैं बाइक में, तो चलिए देखते हैं भाई की बाइक। तो रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 2014 मॉडल बाइक पर भाई राइड कर रहे हैं और सोलो ही कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन के नाम पे अगर बात करें तो भाई ने एक बढ़िया क्वालिटी का लेग गार्ड और एक एक्स्ट्रा मड रबड़ लगाया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि बाइक कम गंदी हो। कैप लगाई हुई है, इसके अलावा सामने भाई ने एक बढ़िया सी प्लेट लगाई है जिसपे लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा। अभी ये मोबाइल स्टैंड अपनी शॉप से ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, क्योंकि भाई फ़िलहाल जो वीडियोस बना रहा है वो इस मोबाइल के माध्यम से ही बना रहे हैं। तो ये इन्हें एक तरह का बढ़िया व्यू भी सामने से रोड का बनाने के लिए देगा। ये भैया ने इंस्टॉल किया था, पर ये वाइब्रेट भी बहुत करता है और मेरा मानना है कि ये बहुत कमज़ोर है। तो मोबाइल जो है वो हमारा महंगा होता है और अगर गिर जाएगा तो ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हम लोग एक अच्छा मोबाइल स्टैंड ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद में भाई ने हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ पर लगाया है। भाई का यूट्यूब का जो डिटेल है वो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। भाई ने जो सामान बांधा है अपनी बाइक पर, ये जो सैडल बैग्स हैं ये स्टैंडर्ड या जो ऑनलाइन मिलते हैं ये वो नहीं है, ये जुगाड़ है। और यकीन मानना दोस्तों, ये बहुत परफेक्ट जुगाड़ है, मतलब मजबूत शानदार बिस्तर बैग भाई का। और ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बैग भाई ने लगाया है, छोटा मोटा सामान इसके अंदर रखते हैं ये, जिसकी ज़रूरत इनको राइड में पड़ती है। और बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर सोलो राइड है और बस भाई है तो शानदार है। और मैं भी आज इत्तेफाक से अपनी बजाज एवेंजर लेके आया हूँ, तो भैया देख रहे थे अपनी बाइक को। कुल मिलाकर एक शानदार फील आ रहा है कि यार एक राइडर से मिले हैं हम, सचिन वर्मा भाई। तो दोस्तों यही था छोटा सा वीडियो। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो लोग करना चाहते हैं बाइक से, कार से, जैसे भी, उन लोगों को एक हिम्मत मिले कि हाँ यार लोग देखिए अकेले बाइक से जा रहे हैं तो हम लोग दो लोग, तीन लोग, चार लोग क्यों नहीं जा सकें। एक अजीब सा इत्तेफाक है, सिर्फ 3 या 4 दिन पहले हम 2-3 दोस्त यहाँ बैठ कर प्लान कर रहे थे कि यार एक बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर ज़रूर जाएंगे अपनी बाइक से, 1 या 2 या 3 भाई जो भी होगा। मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूँ कि जाने वाला हो या कुछ, पर जीवन में एक बार ज़रूर ये करूँगा मैं, मेरी दिल से इच्छा है। माँ नर्मदा जी के घाट पर, मतलब क्योंकि बड़वानी से जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, बड़वानी से मैं 3.5-4 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा जी हैं, उनके ही जल से हमारा जीवन संभव है। तो एक बार तो परिक्रमा के माध्यम से धन्यवाद माता जी को बोलना हमारा बनता ही है। इस मानव रूपी जीवन में आए हैं तो ये एक पुण्य भी ज़रूर कमाएंगे हम। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये सपना हमारा साकार हो। और भाई के लिए तो शुभकामनाएँ हैं ही ढेर सारी, कि भाई अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। हाँ, भाई का जो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भाई के डाल दूंगा। हमारा वीडियो तो अभी आ जाएगा, भाई का वीडियो शायद बाद में आएगा इनकी यात्रा पूरी होने के बाद। यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रहा है, तो फिलहाल यूट्यूब चैनल का और उनकी पूरी जो राइड सीरीज होगी उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक हमें इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर भाई को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, बस यही छोटी सी जानकारी थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा और हर हर नमस्ते।